नमस्कार दोस्तों, वेल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत में एक बड़े सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वेल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो दोस्तों, FDI किसी भी देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एवं टेक्नोलॉजी शेयर करने में अहम भूमिका निभाती है तथा उस क्षेत्र के विकास में भी मदद करती है। साथ ही दोस्तों, FDI स्टेटिक्स या रैंकिंग में सुधार लाती है। अच्छी FDI आने से ये पता लगता है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लो एंड ऑर्डर में कितना सुधार हुआ है। दोस्तों, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान काफी समय पहले से ही देना शुरू कर दिया था। वहाँ का दोस्तों लो एंड ऑर्डर काफी अच्छा है। इसी कारण दोस्तों बहुत सारी बड़ी कंपनीज के प्लांट और प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना में एस्टेब्लिश्ड हैं। और दोस्तों यहाँ पर औद्योगिकरण भी बहुत ही तेजी से हुआ। लेकिन दोस्तों 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस और बैड गवर्नमेंट पॉलिसी, अमेरिका वर्सेज चाइना ट्रेड वॉर और बहुत सारे देशों से सीमा विवाद के कारण बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने चाइना से अपने फार्म्स को एग्जिट करने की बात कही है। और दोस्तों उन कंपनीज का ध्यान उभरती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ है। दोस्तों इस समय उभरती हुई इकोनॉमी भारत एवं आसियान के बहुत सारे देश हैं। ओवरऑल दोस्तों इसका फायदा भारत उठा सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग चार्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक टाइम्स टू मेक इन इंडिया से लिए गए हैं। इसके तहत दोस्तों भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड रैंकिंग 2014 में 134वें स्थान पे था। वहीं दोस्तों 2020 में 71 देशों को पीछे कर भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 63वें स्थान पर आ गया है। इसका दोस्तों ये अर्थ है कि पिछले 6 सालों में गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। वहीं दोस्तों 2019 में भारत ने 49 बिलियन FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया था, जो कि दोस्तों पिछले साल यानी कि 2018 के मुकाबले 16% ज्यादा था। वहीं दोस्तों भारत ने 2019 में FDI इनफ्लो की रैंकिंग में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया था और वह 90 स्थान पे स्थित था। जबकि दोस्तों चाइना ने 2019 में लगभग 140 बिलियन की FDI अट्रैक्ट की थी, जो कि दोस्तों भारत के मुकाबले कई ज्यादा थी। परंतु चाइना ने दोस्तों पिछले साल के मुकाबले कोई ग्रोथ हासिल नहीं की थी। दोस्तों भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का अच्छा होने का कारण MP, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड जैसे राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग का अच्छा होना है। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्टेट रैंकिंग की बात करें तो 2020 में नंबर 1 स्टेट आंध्र प्रदेश है और नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 मध्य प्रदेश, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 हिमाचल प्रदेश, नंबर 8 राजस्थान, नंबर 9 वेस्ट बंगाल और नंबर 10 पे गुजरात है। ये आंकड़े दोस्तों PIT द्वारा लिए गए हैं। तो दोस्तों इस रैंकिंग में बहुत सारे राज्यों ने बहुत ज्यादा सुधार किए हैं, जैसे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश लगभग 10 राज्यों को पीछे करकर दूसरे स्थान पर आया है। वहीं दोस्तों FDI इनफ्लो बाय स्टेट रैंकिंग की बात करें तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च तक भारत ने लगभग 23,881.34 मिलियन $ की FDI अट्रैक्ट की, जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 7,262.56 मिलियन FDI अट्रैक्ट की थी। खास बात दोस्तों ये है कि इस टॉप 10 की लिस्ट में तमिलनाडु को ओवरटेक करके झारखंड राज्य ने 1,852.04 मिलियन $ की FDI अट्रैक्ट की, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों कहानी अब शुरू होती है। अप्रैल, मई, जून इस समय में कई परिवर्तन हुए। दोस्तों इस समय में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। वहीं दोस्तों चाइना पूरी मानव जाति के लिए दुश्मन साबित हुआ। अमेरिका एवं बहुत सारे अन्य देशों की कंपनीज ने अपने फार्म्स को चाइना से एग्जिट करने की बात कही एवं दोस्तों इस प्रक्रिया को शुरू किया। और ये कंपनीज दोस्तों काफी लंबे समय से चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास कर रही थी। नतीजा दोस्तों ये हुआ कि भारत में जनवरी 2020 से अगस्त तक लगभग 50 बिलियन $ का FDI आ चुका है, जो कि दोस्तों पिछले साल से ज्यादा है तथा दोस्तों अभी साल खत्म होने में लगभग 4 महीने बचे हैं, यानी कि दोस्तों अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। दोस्तों ज्यादातर FDI सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आई। हालांकि दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ने आसियान देशों जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया में अपना प्लांट सेटअप करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि दोस्तों उन्हें इंडिया से बेहतर बिजनेस सेटअप करने के लिए आसियान देश लगा। दोस्तों इसके कई कारण हैं, किसी अन्य वीडियो में इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों FDI अट्रैक्शन से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, यह बड़ी कंपनियां लगेंगी और दोस्तों बहुत सारे लोगों को रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बड़े लॉकडाउन के कारण इंडियन इकोनॉमी सेकंड क्वार्टर में देश की GDP लगभग -23.9% नेगेटिव हो गई। इसके कई कारण थे, साथ ही
ही दोस्तों भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है, साथ ही दोस्तों प्रकृति की भी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे युवा जो कि दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने दोस्तों गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया ऑनलाइन माध्यम से, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों SSC रेलवे और बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट आने में लगभग दोस्तों 2-3-4-5 या कहें तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसका दोस्तों बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ये एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं उनके चेयरमैन और बहुत सारे प्रशासक, और इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी है जो कि दोस्तों गवर्नमेंट अभी तक हल नहीं कर पाई है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इसमें अभी खासा परिवर्तन नहीं आया है, गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस मुहिम का, जो कि दोस्तों काफी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इस मुहिम का फायदा दोस्तों बहुत सारे दल उठा रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो दोस्तों अपने पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों FDI इनफ्लो भारत के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आगे आने वाले समय में भारत की GDP में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम यही उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले समय में कुछ हमें अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी इंडिया के GDP से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपको प्रोजेक्ट की अपडेट चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल विलेज स्टार्टअप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।